वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है मेडिसन रन आउट इन पाकिस्तान, क्राइंग पाकिस्तानी मीडिया और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जाने पर, देख लेते हैं ये वीडियो। फिजा खलीफा, तमाशा शुरू किया जाए। ठीक है जी। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। टाटा ने कैंसर की ऐसी वैक्सीन बना रही है जिसकी प्राइस सिर्फ 100 रुपए। क्या क्या बोला? सिर्फ सौ रुपए। ये हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल बात। रोको जरा, बहुत ही धूम मची हुई है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ने एक नई कैंसर की टैबलेट बनाई है, इसका नाम RCU है और जिसकी कीमत 100 रुपए दिन की है, और जिस टैबलेट को खाके कैंसर का क्योर रेट ड्रामेटिकली बढ़ सकता है। सुनते जाइए कि इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इतना तेजी से डेवलप कर रहा है कि इंडिया को अब वर्ल्ड्स फार्मेसी कहा जाने लगा है। तो जश्न मनाया जाए। जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो। जलवा है हमारा। जहाँ पर इंसान के लिए दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया है, वहाँ पर जान बचाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया, कैसे लोग हैं, अजीब और गरीब लोग हैं। मुल्क में दवाइयों की किल्लत ने स्पीड सरकार की जो कारकर्दगी है उसका पोल खोल के रख दिया है। बहुत बढ़िया। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है। मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। इम्पोर्ट ऑफ इंडियन मेडिसिन इन पाकिस्तान। सुनते जाइए। क्योंकि मांगना अगर एक कला है तो बस कलाकार पाकिस्तान है। कई एजेंट्स ने या सप्लायर्स ने ये तक कहा कि भाई हम ट्रांस शिपमेंट भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया है कि आप पाकिस्तान बेस किसी को भी कोई केमिकल आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सलाह हो नहीं। मुल्क में दवाओं की शदीद किल्लत का खतरा सर उठाने लगा है। दो बार। तो हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं है। लानत है पाकिस्तानी तुम पे, लानत है। यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं। आज बात चल रही है इंसानियत की और बहुत सारे भाई मेरे को इंसानियत का ज्ञान देके जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। लोगों का कहना है कि मामूली दवाएं और तिब्बी आलात बाहर से खरीदने पर मजबूर हैं। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि आज हम बात करेंगे इंसानियत की, दवाइयों की, मेडिसिन की, भारत की और पाकिस्तान की। इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, साथ में मनोरंजन भी मिलेगा। तो बिना देर किए चलते पाकिस्तान। चले फिर। चलो भाई। सबसे पहली बात तो ये, हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। आपको पता है कि दुनिया में वो अपनी दवाइयां बेच रहा है, दे रहा है, चाइना को अपनी दवाइयां दे रहा है। हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में रह के काम करेगा। पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल कर रही कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दें। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इकट्ठी कर ली है। जली ना तेरी भी जली ना। इधर आप ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है, अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है, और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं क्योंकि उधर के जो मुसलमान बैठे हैं वो हमसे शायद ज्यादा ईमान में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो उधर इंडियंस के साथ फाइट कर रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही, वो इंडियंस के साथ फाइट कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान चाहे पूरी दुनिया में कहीं का भी हो, वो जिस थाली में खाता ना उसमें छेद जरूर करता ही करता है, इसके लिए वो फाइट कर रहे हैं। दो मुल्क लेने के बाद भी अगर आज भी वो फाइट कर रहे हैं तो कितनी शर्म की बात है, सोचो जरा, सोचो। अभी अगर हम कैंसर की बात करें, अभी टाटा ने कैंसर की ऐसी वैक्सीन बना रही है जिसकी प्राइस सिर्फ 100 रुपए। वाह भाई वाह। अद्विया की ना सिर्फ किल्लत का भी सामना है बल्कि महंगाई से तो पूरा मुल्क, तमाम तर आवाम ही मुतासिर है। और ना यह मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? नहीं। बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर, फार्मेसी ना नर्सिस की ट्रेन। कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है, डॉक्टर समझते हैं कि मैं सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ,
ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलाने क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। और हमने आप तो एजुकेटेड लग, सफाई का ये मियार है कि थूकते हुए लोग गुजरते हैं। अतु, 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 अतु। ये जो मेडिसन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले इंडिया से दुबई जाती है, वहाँ से यहाँ आती है, महंगी होके आती है। अगर हमने लेनी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं लेनी? नहीं नहीं बिल्कुल लेनी चाहिए, इंसानियत के लिए। इंसानियत के नाते इंसानी जान सबसे कीमती है, हमें अपनी अना नहीं रखनी चाहिए। इंसानी जान के लिए हमें दुश्मन के पास भी जाना पड़ता है ना, उससे भी रिक्वेस्ट करके चीज लेनी पड़ी। दुश्मन के पास क्या, दुश्मनी खत्म करनी चाहिए। जैसे कह रहे हैं इंडिया से मिसाल के तौर कहते हैं वो हमारा पाकिस्तान का, लेकिन नहीं, अपनी नाते इंसानी नाते एक दूसरे के साथ अच्छे तलक करने चाहिए। और हमारे यहाँ आपको पता है शौकत खानम कहते हैं कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है, लेकिन वो भी बहुत महंगा होता है। लोग अपने घर बेच देते हैं, जायदादें बेच देते हैं अपने एक पेशेंट को बचाने के लिए। तो जब हमारे से 10 किलोमीटर दूर एक ऐसा कंट्री मौजूद है जो कि मेडिकल में बहुत अच्छा है, जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत सस्ते हैं, तो आवाम को उनसे कनेक्ट करने के बजाय हम बहुत डिसकनेक्ट हो गए हैं। इसमें अवाम तो इन्वॉल्व है ही नहीं। हाँ। ये ना उनके अवाम ये चाहती है ना पाकिस्तान के अवाम ये चाहती है, ये सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं ना ऊपर का खेल है। जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो, क्योंकि वहाँ पर जाने से ये होगा कि वहाँ पर टिकट नहीं जहाज के खरीदी जाती, इंसान होगा बॉर्डर के जरिए वहाँ पर वीजा दिखाता और चला जाता, और ट्रेन में चला जाता, किसी भी तरह से चला जाता, मतलब कि कम बजट में उनका वो काम वहाँ पर हो जाता है। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि यार वहाँ पर जो इलाज के लिए जाते हैं पाकिस्तान से लोग, इतना अच्छा वहाँ के डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो फिर वहाँ की वाहवाह करते हैं कि यार वहाँ पे हम गए थे। ये दोस्तों सोशल मीडिया पे कितनी कहानियां वायरल हुई है कि इंडियन डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी गरीब लोगों की मदद अपने पर्सनल जेब से की है। अभी कुछ मंथ पहले एक बच्ची की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जो बिल्कुल मतलब के गर्दन नहीं टिक रही थी, यहाँ पे उन्होंने बहुत इलाज किया गरीब घर के, गरीब घर से वो बिलोंग करते थे, लेकिन जब वो इंडिया गए उस बच्ची का ट्रीटमेंट भी फ्री हुआ, और डॉक्टर हाँ और वो डॉक्टर ऑनलाइन मतलब के वीडियो कॉल के जरिए उसको देखते थे, उनको बताते थे, तो इतना अच्छा वो लोगों को ट्रीट करते हैं। और हमारे यहाँ चले जाओ, पहले तो लाइन में लग रहे हो, जब अंदर चले जाओ तो इतना रूड बिहेव करते हैं डॉक्टर्स के, इंसान को खुद से होता है। छोड़ो, हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं है। अब आवाम जाएं तो कहाँ जाएं, अब तो ऐसा लगता है कि बीमार भी नहीं हो सकते, बीमार होना भी एक मुश्किल अमल हो गया है। आप क्या चाहते हैं कि अगर मेडिकली पाकिस्तान और इंडिया आपस में कहीं ना कहीं लिंक कर जाते हैं, तो हमारी सेहत के ऊपर और ये जो मेडिसिन हैं इनके प्राइस के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कि अगर हम ये एक गेट का डिफरेंस है ना हमारे दरमियान, ये गेट खुल जाए, ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ यानी कि बिल्कुल मिलजुल जाए, वो हमारे कायद का नजरिया गलत होगा, हम उनके साथ मिलके मिलजुल नहीं सकते तो रहें तो फिर। लेकिन ये जो ट्रेड होती है ना, ट्रेड इज समथिंग एल्स, ट्रेड हमें करनी चाहिए, ट्रेड हम दुश्मन के साथ भी करते हैं, ट्रेड हम दोस्त के साथ भी करते हैं, ट्रेड का फायदा अल्टीमेटली इंडिया का तो होगा ही होगा, लेकिन ज्यादा फायदा हमें पाकिस्तान को होगा। कैसे? क्योंकि इंडिया को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए हमारी इकोनॉमी जस्ट लाइक ऐसे कह लें आटे में नमक के बराबर है। मतलब ना सिर्फ डॉक्टर नर्सेज, हम आवाम जो है मॉब भी बदतमीज है ना, और यहाँ पे कोई सफाई का मियार नहीं, यहाँ पे कोई मरीज को कोई प्रॉपर अटेंड नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपकी अप्रोच है आपको बहुत अच्छा पूछा जाएगा। इस मुल्क में आपको नौकरी भी नहीं मिलती बगैर पर्ची के। पर्ची का कारोबार तो पाकिस्तान के अंदर बहुत है, बिना पर्ची के तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में प्लेयर नहीं आ सकते। यहाँ तो मरीजों के इलाज की बात हो रही है, कितने गिरे हुए लोग है पाकिस्तानी की इनके मरीजों को इलाज कराने के लिए भी पर्चियों की जरूरत पड़ती है। फिर यहाँ पे मुझे बहुत सारे हिंदुस्तानी भाई बोल के जाएंगे कि भाई हमारे हिंदुस्तान में भी तो प्रॉब्लम है, हमारे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है। बिल्कुल है भाई, मैं मानता हूँ उनको सही होना चाहिए, और कमियां हर मुल्क में होती है मेरे भाई, हर मुल्क में कमियां होती है, हिंदुस्तान में भी कमियां होती है, पाकिस्तान में भी कमियां होती है। आज बात यहाँ पे दवाइयों की हो रही है, और दवाइयों के मामले में भारत ने पाकिस्तान की हमेशा मदद की है। आप यकीन मानोगे 4.5 अरब की दवाइयां पाकिस्तानियों को दे चुके हैं, और उन्होंने हरामजादों ने आज तक रुपया नहीं दिया है, खा गए पैसे, डकार गए। फिर भारतीय कंपनियों ने पाकिस्तान में दवा भेजना ही बंद कर दिया, हालांकि भारत और पाकिस्तान की ट्रेड ऑफिशियली 2019 से बंद है, लेकिन थोड़े समय के बाद में 2020 में इमरान खान ने ही दवाइयों पे से बैन हटा दिया था, और दवाई
दवाइयों का ट्रेड चालू था, क्योंकि दवाइयां नेसेसरी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये पैसे नहीं देते तो भारतीय क्यों भेजेंगे। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपके क्या राय है कमेंट सेक्शन आप ही का है। आप भी इन पाकिस्तानियों को समझा सकते हैं, थोड़ा मुझे भी समझा सकते हैं, थोड़े उन हिंदुस्तानियों को समझा सकते हैं जो परचून की दुकान में जाके बोलते हैं मुझे शेविंग करवानी है। कितने पैसे लोगे। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और जैसे जो जो एक स्टार्टिंग में एक औरत ने बात की थी ना कि हम अगर जाते हैं हॉस्पिटल्स में तो डॉक्टर्स का रवैया इस तरह का होता है। अच्छा, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगी। वाकई ये बात है, जब इंसान बीमार होता है ना तो आपको जैसे वो कहते हैं ना कि आप बीमारी में आपके मुंह से सबसे पहला वर्ड जो है ना वो मां निकलता है, तो ऐसे ही जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि यार हमें बड़ा पोलाइटली कोई ट्रीट करे, आपकी जो है ना आधी बीमारी चली जाती है। लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर्स क्या होते हैं, उनको अगर पूछो तो वो ये कहते हैं सुबह से हम लोग लेके बैठे हुए हैं, हम लोग तो फलां है, सर में दर्द हो रही है हमारे, ये वो, हम फेडअप हो गए। लेकिन ये उन लोगों की जो कहते हैं ना कि उन लोगों का ये काम है, हर किसी का जो काम होता है ना उसको उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो ढलना चाहिए। मेरे ख्याल से इनकी जो जो तालीम होती है ना उसमें थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना ये भी होना चाहिए उनके कि पेशेंस किस तरीके से रखना है, बात किस तरीके से पोलाइटली करनी है। लेकिन फिर वो बात की, वो डॉक्टर होते हैं, अब अगर हम उसकी बात करें लेबर रूम की, अब यहाँ पर पेशेंट जो है ना वो दर्द से उनको ये होता है कि यार कोई मुझे देख नहीं रहा, कोई डॉक्टर मुझे देख नहीं रहा, लेकिन उनको पता होता है कि इतने अभी इतना टाइम बाकी है, इतने टाइम पे मैंने उनके पास जाना है, तो उनको मालूम सब कुछ होता है। लेकिन फिर वही बात कि थोड़ा सा वो अगर कामली बिहेव करें ना, थोड़ा सा नरमी से पेश आए पेशेंट्स के साथ भी। बाकी ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मतलब हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो खुद दिमाग में ना बहुत सोचना पड़ता है कि यार इनसे किस कितने लफ्जों में बात की जाए, कितने कैसे इनसे पूछा जाए कुछ भी, मतलब आगे से ये ना हो कि आपको कुछ उल्टा जवाब मिल जाए। लेकिन बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं, लेकिन बहुत वो कहते हैं ना सरफिरे भी होते हैं, कुछ उनका एक्सपीरियंस शायद ऐसे पूरे दिन का होता है कि उनको भी सरफिरे ही पेशेंट मिलते हैं और फिर वो भी जो है ना अपनी भड़ास सारी उनपे ही निकालते हैं। तो खैर ये दोनों साइडेड पे होता है, डॉक्टर्स को मेरे ख्याल से ज्यादा जो है ना वो पेशेंस दिखाना चाहिए, क्योंकि एक उनकी वो कहते हैं ना उनका पेशा इस तरीके का है कि आप अगर दवाइयों से ज्यादा वो कहते हैं ना लोगों के लहजे जो हैं वो काम करते हैं, तो अगर आप अच्छे तरीके से पेशेंट्स के साथ पेश आएंगे तो हो सकता है उनकी जो है ना वो आधे से ज्यादा बीमारी जो है ना वहीं पे आपकी ये बातें सुन के जो है ना वो खत्म हो जाए। लेकिन पेशेंट्स को भी यहाँ ये चाहिए, दोनों साइडेड का ही मैंने पहले भी बोला कि सर ना खाएं ज्यादा, वो एक एक बात की ना बाल की खाल ना उतारें, वो एक बार समझा दें कि ये इस तरीके से करना है। जैसे एक वो बहुत एक वो लतीफा बना हुआ है कि डॉक्टर ने कहा कि दवाई जो है ना हिला के तो फिर इस्तेमाल करनी है, तो वो उन्होंने क्या किया, पहले वो बंदे को अच्छे तरीके से हिलाया, वो बेचारा मरने के किनारे पे पहुंचा हुआ है। पेशेंट को अच्छे तरीके, डॉक्टर ने कहा पहले अच्छे से हिलाना है फिर दवाई पिलानी है, पेशेंट को अच्छे से हिलाया और फिर दवाई पिलाई, दवाई को नहीं हिलाया। तो मतलब वैसे भी पेशेंट्स आते हैं, तो ये दोनों साइड को पे होता है। आप लोगों को भी अच्छे से बात करनी चाहिए डॉक्टर्स के, ये नहीं समझना चाहिए कि यार हमने पैसे इनको दिए हैं तो अब ये जो है हम इनकी वो कहते हैं खाल भी नोच कर ले जाएंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर्स को भी चाहिए कि अच्छे से बिहेव करें। बाकी नहीं मेडिसिन की बात हो, हम एक और भी वीडियो वॉच कर चुके हैं, बाकी मेडिसिन जो है वो शॉर्ट हुई नहीं। अगर हम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, ड्रग स्टोर जो है वो एम्प्टी हुए पड़े हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर बकायदा अगर हम ब्लड टेस्ट के भी करवाते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट लैब से, तो वो यही कहते हैं कि यार यहाँ पर जो नॉर्मल टेस्ट है ना उनकी फैसिलिटी जो है ना वो बहुत कम रह गई है। तो जो भारी भरकम टेस्ट होते हैं लाइक आप किसी कैंसर का लगा लो या और किसी बड़ी बड़ी बीमारियों के टेस्ट, तो वो ये कहते हैं कि आप प्राइवेट ही करवाएं, तो यहाँ पर हमारे पास फैसिलिटी अब रही नहीं है जो थोड़ी बहुत थी भी। तो बाकी ये चीजें जो है ना वो अगर हम लोग ये करें गवर्नमेंट लेवल पे कि ये चीजें तो कम से कम एक वो कहते हैं ना कि बीमारी क्या है कि बुनियादी जरूरियात होती हैं, जैसे घर हो गया, खाने पीने की चीजों की, इंसान की बुनियादी जरूरियात है और ये हुक्मरान की जिम्मेदारी बनती है कि ये अपनी आवाम को जो है ना बुनियादी जरूरियात तो कम से कम फ्राहम करे। उनको बजट ही नहीं दिया जा रहा हॉस्पिटल्स में, तो वो बेचारे करें क्या, उनका बजट जो है बाकी चीजों में, जैसे हम डिफेंस का बजट देखो, हमारा इंडिया से भी ज्यादा डिफेंस का बजट है हमारे पाकिस्तान का, लेकिन वो कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, पेटों में ही सिर्फ जा रहा है, कुछ काम तो हो नहीं रहा, ना तो कोई नए हथियार हर रोज पाकिस्तान बना रहा है ना तो कोई और चीज। डिफेंस का बजट जो है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, हालांकि मेडिकल का बजट सबसे ज्यादा होना चाहिए लेकिन वो यहाँ पर ना होने के बराबर है। टीचर्स जो है उनका बजट ना होने के बराबर है स्कूल्स में,
कुछ भी नहीं, ना उनको सैलरीज बेचारों को, ना उनको रेगुलर कर रहे हैं, जो डेली वेजर हैं वो बेचारे डेली वेजर सालों से लगे हुए हैं, ना उनको रेगुलर किया जा रहा है, इतनी कमी है, कभी एक स्कूल से दूसरे स्कूलों में शिफ्टिंग हो रही है, टीचर्स प्रॉपर नहीं है, मेडिसिन प्रॉपर नहीं है, पता नहीं मुल्क किस साइड पर जा रहा है ये समझ में नहीं आ रही, और कब इन्होंने बेहतरी करनी है। इन सब सूरत हाल को देखते हुए वाकई हमने पहले भी बोला हुआ है कि इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए, जहां हम इनडायरेक्टली उन्हीं की मेडिसिन यूज करें। अब देखो उन्होंने कैंसर की मेडिसिन जो है वो खुद बना ली है टाटा वालों ने, टाटा का हमने देखा था अभी कल ही वीडियो उसकी वॉच की है कि कहां से कहां पहुंच गए, इतने सारे जगह पर उनके बिजनेस है, और अब मेडिसिन में भी उनका देखो इतना बड़ा उनका योगदान एक टाइप का है कि उन्होंने कैंसर की मेडिसिन बना ली। हमारे यहाँ पर जो है वो कैंसर की इक्का दुक्का हॉस्पिटल्स हैं, वो एक इमरान खान ने जो शौकत खाना बनाया हुआ है उसमें भी जो है वो वही है बस इक्का दुक्का हॉस्पिटल हैं, और उसमें भी जो है वो कहते हैं इतना महंगा वहां पर वो इलाज होता है कि इंसानी कौन से बाहर है। और अगर इंडियन डॉक्टर्स वगैरह की बात करें या सर्जरी के लिए तो हमें स्पेशली इंडिया जाना ही पड़ता है, वहां पर हम अपनी अनाज एक साइड पर रख लेते हैं क्योंकि कोई ऑप्शन और दूसरा मिलता ही नहीं है, दूसरे मुल्कों में हम जा नहीं सकते हैं, तो इंडिया जो है वो दूसरे मुल्कों के वो कहते हैं ना कि मुकाबले में इलाज कर देता है, तो हम कहते हैं कि चलो भी दुश्मन मुल्क है लेकिन जाना है वहां पर, लेकिन वो फिर भी जो है वो एज ए पेशेंट ही ट्रीट करते हैं। जैसे इन्होंने खुद बोला, ये जो इंटरव्यू दे रही थी इनकी सिस्टर ही थी आई थिंक, कि उन्होंने थ्रू जो है वो वीडियो कॉल के भी रابطہ करते हैं, बाद में पूछते भी हैं, और वो मतलब कंसर्न उनका होता है कि हमारे पास ये पेशेंट आया है हमें इसके साथ कंसर्न है, जब तक ये ठीक नहीं होता हमारी रिस्पांसिबिलिटी पूरी नहीं होती। तो ये अच्छे तरीके होते हैं जो कि आप कहते हैं ना कि लहजे जो है ना वो इंसान के अंदर रह जाते हैं, बाकी तो और क्या ही करना होता है। तो ये बाकी इंडिया के साथ टर्म्स होने चाहिए ट्रेड के थ्रू। बिल्कुल। अच्छा मैं भी यहाँ से टाटा की बात करूंगी, मेरे माइंड में भी ये था कि अभी हमने कल वीडियो जो है वो वॉच किया तो हम बड़ा हैरान हुए कि यार टाटा के, हमें सिर्फ यही था कि टाटा खाली मोटर कार वगैरह ऐसी चीजें बनाता है, लेकिन जब हमने देखा कि वो मेडिसिन भी बनाता है, और सबसे बड़ी बात यार देखो कैंसर की वो भी 100 रुपए की मेडिसिन, कैंसर मुझे लगता है जैसे कोई अमीरों वाली बीमारी है लेकिन गरीबों में बहुत ज्यादा है, तो गरीब बंदे को पता चल जाए ना कि यार उसको कैंसर है तो वो वहीं पे क्या पता ठीक होने के बजाय वो वहीं पे जो है वो हो जाए कि यार, क्योंकि आपके माइंड में सबसे पहले खर्चा आता है कि यार हम इतना खर्चा जो है वो कैसे अफोर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी कि जैसे इन्होंने कहा कि शौकत खानम की बात करें तो वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा महंगा इलाज है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे गरीब लोगों की वीडियोज वगैरह भी देखी है जो कहते हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है लेकिन हम मतलब कैंसर हो गया तो हम लोग वहां पे गए और हमारा बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो इलाज वगैरह भी हुआ। तो ये अब जाहिर बात है वो गरीब लोगों के लिए भी है, ये नहीं कि खाली वहां पे ही अमीरों का ही इलाज होता है, लेकिन वो कहते हैं ना एक चीज है उसके बारे में अच्छी बातें भी निकलती है बुरी बारे में बातें भी निकलती है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी है जिन्होंने कहा कि यार शौकत खानम ने हमारा लोगों का एक कोटा होगा ना, शायद ये तो अब हमें इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने देखा है वो लोग कहते हैं कि शौकत खानम ने बड़ा अच्छे से हमारा मतलब सारे टेस्ट वगैरह और बड़े अच्छे से हम लोगों का जो है वो इलाज किया है। लेकिन इतना बड़ा मुल्क है, खाली हमारे मुल्क में सिर्फ एक कैंसर का हॉस्पिटल शौकत खानम ही है, वो भी इमरान खान का अल्लाह भला करे जो उसने बना दिया, वरना ये भी ना होता तो फिर जो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो मेघा से कैंसर की वजह से जो है वो डेथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता। और अगर डॉक्टर्स की बात करें तो वाकई डॉक्टर्स को जो है ना मेघा से उनकी ट्रेनिंग में जो है ना वो मुझे मूवी का एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, उनकी ट्रेनिंग में ये चीज को जहाँ ऐड किया जाता है, शायद मुन्ना भाई MBBS में मैंने ये मतलब उनका डायलॉग सुना था जिसमें वो कहते हैं कि डॉक्टर्स को ना थोड़ा सख्त दिल होना पड़ता है, अगर वो इस तरह नहीं रवैया रखेंगे तो फिर तो वो मतलब मरीज का इलाज नहीं कर पाएंगे। तो पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि बाद मरीज इस किस्म के नेचर भी होते हैं कि वो मतलब जो बातें नहीं भी पूछने वाली होती ना वो भी पूछ पूछ के जो है डॉक्टर का दिमाग जो है वो खराब करके रख देते हैं। अगर डॉक्टर जो है थोड़ा मतलब लीनियंट भी होना चाहिए कि यार चलो मैं अच्छे से इसके साथ बात करूं, हर डॉक्टर हम ये नहीं कहेंगे कि हर डॉक्टर जो है वो छुरी कांटे लेके बैठा होता है कि बस मरीज आए तो मैं इसको खा पी लूं, ऐसी बात नहीं है, बहुत डॉक्टर जो है वो अच्छे तरीके से भी बिहेव करते हैं कि अब मरीज की आधी बीमारी जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि अल्लाह के बाद अगर इंसान बीमार हो जाए ना तो अल्लाह के बाद बंदे का सबसे ज्यादा जो है ना वो उसी के ऊपर होता है, डॉक्टर पे यार ये जो है वो मुझे शिफा देगा, तो डॉक्टर को थोड़ा सा जो है वो अपना मतलब रखना चाहिए कि यार मैं इसके साथ प्यार से या मोहब्बत के साथ पेश आऊं। वो भी कहते हैं कि हम सुबह से मरीजों को देख देख के थक गए हैं, हमारा ये हो गया वो हो गया, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद उनकी बातें भी हमें ठीक लगे, लेकिन हम एज अ पेशेंट देख रहे होते हैं कि यार अब हम बीमार है तो हमसे ये देखो कैसे रूडली बात कर रहा है, वो उसने हमारे पैसे लेके बैठा है जो हमसे बहुत प्यार से बात करेगा। बट अलग मेडिसिन की बात की जाए तो यहाँ पे वाकई मेडिसिन की जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, खासतौर पर जो बेसिक है, अगर आप कोरोना की बात करें कोरोना में वाकई पैनाडोल जो है हमारी खत्म हो चुकी थी, तो ऐसी बहुत सारी जो बेसिक मेडिसिन है वो खत्म हो जाती है, तो बंदा फिर यही सोचता है कि यार यहाँ पे जो बेसिक चीजें मिल रही हैं, अगर डॉक्टर आपको लिख के देता है ना कि ये मेडिसिन आपको हॉस्पिटल से मिल जाएगी तो वो भी बाद का शॉर्टेज होती है, वो कहते हैं जी अभी आई नहीं है पीछे से नहीं आई,
तो फिर बंदा जाए तो जहाँ ही कहाँ। यहाँ पे फिर मैं यही कहूँगी बहुत सारे मसाइल हैं, उन सब मसाइल को हल करना जो है ना वो गवर्नमेंट का काम है। वो जो है जो एक बजट है उसको बढ़ाए, और अगर बढ़ाता है तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज भी करे, यानी कि खा पी जाए और जो मेडिसिन वगैरह वो सही तरीके से हॉस्पिटल में पहुंचे ही ना। सो ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें नहीं इजाजत, अल्लाह हाफिज़।